दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पटना से चलकर दिल्ली में अपना मुकाम हासिल करने वाले जर्नलिस्ट के बारे में, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में अपने अलग ही पहचान बना ली है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जर्नलिस्ट श्वेता सिंह के बारे में, जो कि आज के समय में आज तक के न्यूज चैनल की सबसे सफल जर्नलिस्ट में से एक है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि मेहनत देखना एक दिन रंग लाती है, ऐसा ही कुछ श्वेता सिंह ने कर दिखाया और अपनी पत्रकारिता से लोगों के बीच एक अलग ही पहचान बनाई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्वेता सिंह की सफलता की पूरी कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत 21 अगस्त 1977 से होती है, जब बिहार के पटना में एक मिडिल क्लास हिंदू परिवार में श्वेता सिंह का जन्म होता है। आपको बता दें कि श्वेता सिंह बचपन से ही एक फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में एक पत्रकार बन गई। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्टर और प्रोड्यूसर बनके ही अपना नाम कमा सकते हैं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर आप किसी भी क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहरा सकते हैं। और फिर क्या, श्वेता ने बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई के दौरान श्वेता को ये महसूस हुआ कि फिल्मों में काम करना इतना आसान भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का सपना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान पत्रकारिता के क्षेत्र में एकत्रित किया और वर्ष 1998 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने करियर की शुरुआत की। वहाँ उन्होंने ज्यादा दिन तक काम नहीं किया और वर्ष 2002 में आज तक न्यूज चैनल को ज्वाइन किया। उनके पति संकेत कोटकर से उनकी पहली मुलाकात भी थोड़ी फिल्मी थी। एक बार श्वेता सिंह अपने परिवार के साथ एक पार्टी में गई थी, जहां उनकी मुलाकात संकेत कोटकर नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसके बाद श्वेता और संकेत कोटकर एक दूसरे के एक अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद श्वेता सिंह ने संकेत कोटकर से शादी कर ली। कुछ ही सालों बाद उन दोनों की एक बेटी भी हुई। श्वेता सिंह ने बताया कि आज तक न्यूज चैनल में शामिल होने से पहले वो जी न्यूज और सहारा न्यूज के लिए काम किया करती थी, लेकिन श्वेता सिंह को आज तक के न्यूज चैनल में लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है और मौजूदा समय में उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे 13 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि श्वेता सिंह खेल संबंधी समाचारों को कवर करने में काफी निपुण मानी जाती है और साथ ही साथ एक कुशल जर्नलिस्ट भी मानी जाती है। वर्तमान समय में श्वेता सिंह आज तक न्यूज चैनल में एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही वो चैनल के प्रोग्रामिंग विभाग का नेतृत्व करती हैं। दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशक से अधिक वक्त बिता चुकी श्वेता सिंह 15 वर्षों से आज तक न्यूज चैनल से जुड़ी हुई हैं। उन्हें चक्रव्यूह जैसी कुछ फिल्मों में आज तक न्यूज चैनल के समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा श्वेता ने वर्ष 2015 के बिहार असेंबली इलेक्शन के दौरान पाटलिपुत्र का इतिहास नामक कार्यक्रम को शुरू किया, जिसे लोगों द्वारा काफी सराहा गया। अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर उन्होंने कामयाबी हासिल की और वहां तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां उन्हें एंकरिंग की दुनिया में सबसे सफल जर्नलिस्ट में से एक माना जाता है। उनकी बेहतरीन एंकरिंग को देखते हुए उन्हें वर्ष 2013 में सर्वश्रेष्ठ एंकर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम के लिए भी नवाजा गया। श्वेता सिंह ने 27 अप्रैल 2019 को नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बारे में बातचीत की। इसके अलावा 31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करते हुए दिखाई दी और इस इंटरव्यू के बाद लोगों द्वारा श्वेता सिंह को काफी पसंद किया गया। अगर बात करें श्वेता सिंह की हॉबीज के बारे में, तो उन्हें रीडिंग, राइटिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो दोस्तों आपको श्वेता सिंह की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया।